नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं प्रॉपर्टी वाला। मैं हूं अमन गुप्ता। कई लोगों की तरह रवि के सपनों का घर भी ट्विन टावर के मलबे में दफन हो गया। रवि ने लोन लेकर नोएडा में सुपर टेक के ट्विन टावर में फ्लैट खरीदा था और जब ट्विन टावर को गिराया गया तो रवि को किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन रवि की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन उनके पास फोन आया कि उनके लोन की ईएमआई की ड्यू डेट निकल गई है और पेनल्टी से बचने के लिए उन्हें जल्द से जल्द ईएमआई का पेमेंट करना होगा। रवि ने कहा कि जब मकान ही नहीं रहा तो वो घर की ईएमआई क्यों भरे। लेकिन लोन कंपनी ने उन्हें फोन करना जारी रखा। एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब रवि और उनके जैसे कई घर खरीदारों को राहत मिली है। सुपरटेक ट्विन टावर्स में घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने लोन की ईएमआई चुकाने से राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस होम फाइनेंस को घर खरीदारों से ईएमआई की डिमांड न करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वो अगली सुनवाई तक ईएमआई ना चुकाने वाले घर खरीदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के समाधान पेशेवर को 1,25,00,000 रुपए 31 अगस्त तक जमा कराने को कहा है। इस रुपए से उन 15 घर खरीदारों को पैसा लौटाया जाएगा जिन्होंने ट्विन टावर में फ्लैट खरीदा था। बिल्डरों पर सख्ती करने से जुड़ी एक और खबर है। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 563 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने अपनी परियोजनाओं से संबंधित जानकारी को अपडेट नहीं किया था। ये प्रोजेक्ट कुल 746 नए हाउसिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसमें करीब 22,449 करोड़ रुपए के 50,288 अपार्टमेंट शामिल हैं। रियल एस्टेट अधिनियम 2016 के मुताबिक प्रमोटर्स को हर 3 महीने में जानकारी अपडेट करना अनिवार्य होता है। महाराष्ट्र के रियल एस्टेट डेवलपर्स रेरा नियमों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे थे और इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई है। रेरा की सख्ती से परियोजनाओं से जुड़ी अहम जानकारी सार्वजनिक होगी और इससे घर खरीदारों को अहम फैसले लेने में सहूलियत होगी। और इधर केंद्र सरकार ने मुंबई वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। 6,00,000 रुपए की सालाना आय वाले परिवार मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीद पाएंगे। सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को फायदा होगा। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अभी तक 3,00,000 रुपए सालाना आय की सीमा थी। केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में पत्र लिखकर जानकारी दी है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए फैसला लिया गया है। बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से मौजूदा सीमा में 3,00,000 रुपए बढ़ाने की सिफारिश की थी। प्रॉपर्टी वाला के इस बुलेटिन बस इतना ही। इसे तैयार किया है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।